सभी दल से अपने अपने मार्ग बताए हुए मार्ग बता रहे हैं। परिषद उत्तर प्रदेश के आह्वान पे आज दिनांक 7/12/2021 को पूरे उत्तर प्रदेश में 5 सूत्री मांग पत्र को लेकर के धरना रैली अब्लिक धरना प्रदर्शन आयोजन किया गया है, जिसमें आज प्रयागराज क्षेत्र में बड़ी तादाद में बड़ी ज्यादा संख्या के साथ एक जनसैलाब के साथ रैली और धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसमें कर्मचारियों को डीए न देना, संविदा कर्मचारियों का रेगुलर न करना, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का वेतन न बढ़ाना, इस तरह की तमाम समस्या 5 सूत्री मांग पत्र शासन एवं निगम प्रबंधन को दिया गया, जिसके क्रम में आज ये पूरे प्रदेश में रैली और धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। हमारी मांगे ये है, जैसे डीए कर्मचारियों का डीए लंबित है, हम 21% राज्य कर्मचारी से परिवहन निगम कर्मचारी पीछे चल रहा है डीए, नंबर एक। नंबर दो, संविदा के कर्मचारियों का कार्यबद्ध योजना बना करके नियमितीकरण करना जो हमारी मांगे है उसको सरकार द्वारा पूरा नहीं किया जा रहा है। नंबर तीन, आउटसोर्सिंग या संविदा के जो कार्मिक है उनका वेतन में बढ़ोतरी किया जाए। मृतक आश्रित या कोरोना काल में जो भी हमारे कर्मचारी की डेथ हुई है उनको नियमितीकरण नियुक्ति दिया जाए, इस तरह की हमारी 5 सूत्री मांग पत्र शासन निगम प्रबंधन को दिया गया है, जिसके क्रम में आज ये पूरे प्रदेश में रैली और धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया।